पिता अपने पुत्र के अध्यापक को लिखा मार्मिक पत्र। अध्यापक महोदय, मेरे बच्चे को पढ़ाना कि संसार में दुष्ट होते हैं तो आदर्श नायक भी, कि जीवन में शत्रु हैं तो मित्र भी हैं। उसे बताना कि श्रम से मिला एक रुपया बिना श्रम मिले 5 रुपए से अधिक मूल्यवान है। उसे सिखाना कि पराजित कैसे हुआ जाता है। यदि तुम उसे सिखा सको तो सिखाना कि ईर्ष्या से दूर कैसे रहा जाता है। उसे पुस्तकों के आश्चर्य लोक का ज्ञान अवश्य कराना, किंतु उसे इतना समय भी देना कि वह नीले आकाश में विचरण करते पक्षी समूह के शाश्वत सत्य को जान सके, हरे भरे पर्वतों की गोद में खिले फूलों को परख सके। वह जान ले कि पाठशाला में अनुत्तीर्ण होना सम्मानजनक है अपेक्षाकृत किसी को धोखा देने के। मेरे पुत्र को ऐसा मनोबल देना कि वह भीड़ का अनुसरण न करे। उसे सिखाना कि जब सभी एक स्वर में गाते हों तब वह उन्हें धैर्य से सुने, किंतु वह जो कुछ सुने उसे सत्य की छलनी में छान ले। वह शोर करने वाली भीड़ पर कान न दे, और यदि वह समझे कि वह सही है तो उस पर दृढ़ रहे और लड़े। उसे अपने विचारों पर दृढ़ आस्था रखना सिखाना, चाहे उसे सभी यह कहें यह विचार गलत है तब भी। उसे सिखाना सज्जन के साथ सज्जन रहना है और कठोर के साथ कठोर। उसे सिखाना कि दुख में कैसे हंसा जाता है। उसे समझाना कि आंसुओं में कोई शर्म की बात नहीं होती। तुनक मिजाजों को लताड़ना उसे सिखाना, और यह भी कि अधिक मधुभाषियों से सावधान कैसे रहा जाता है। उसके साथ सुकोमल व्यवहार करना, पर अधिक दुलारना भी मत, क्योंकि अग्नि परीक्षा ही इस बात को सुंदर सुदृढ़ बनाती है। अधीर होने का साहस भी उसमें उत्पन्न करना, और बहादुर होने का धैर्य भी। उसे सिखाना कि वह सदैव अपने आप में उदात्त आस्था रखे, क्योंकि तभी वह मनुष्य जाति में उदात्त आस्था रख पाएगा।